रेगुलेट टैबलेट जो कि बनाई जाती है स्विन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न 50 mg इसके अंदर रहता है और ये 10 mg टैबलेट का ये गोली रहता है, जिसका MRP की बात करें तो इसका MRP रहता है 57.30 rupees रहता है। ये टेबलेट जो कि यूज़ होती हैवी मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग में यूज़ होती है, पेन होता है मेस्ट्रुअल साइकिल आने वक्त तब इसको यूज़ किया जाता है, एंड्रोमेट्रियोसिस में इसको यूज़ किया जाता है और प्री मेच्योर सिंड्रोम में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। रेगुलेट टैबलेट जो कि बनाई जाती है स्विन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न 50 mg रहता है और ये 57 rupees का ये पूरा स्ट्रिप रहता है, जो कि क्या करता है कि ये ट्रीटमेंट करता है मेस्ट्रुअल प्रॉब्लम का, जैसे कि पेन होना, हैवी ब्लीडिंग होना, इरेगुलर पीरियड आना या प्री मेच्योर सिंड्रोम में इसको यूज़ किया जाता है ये, और जिसको एंड्रोमेट्रियस के नाम से जाना जाता है। तो ये मैन मेड वर्जन नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिप्लेस करता है, जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन है। तो ये टेबलेट इसलिए यूज़ होती है कि ब्लीडिंग होती है या पीरियड के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या दर्द बहुत ज़्यादा होता है या एंड्रोमेट्रियस होता है या PMS होता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से लिया जाता है। अगर आप इसको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि हेडेक हो सकता है, डाइजीनेस हो सकता है, ब्रेथ ट्रेडनेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, विजिनल स्पॉट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि आपको कभी भी हो सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से लिए बिना। तो इस टैबलेट का डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो रेगुलेट 50 mg टैबलेट जो कि इसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न डाला गया, जो कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, जो कि क्या करता है कि मेकिंग करता है नेचुरल प्रोजेस्टेरोन को, जो कि फीमेल हार्मोन होता है, जिससे क्या होता है रेगुलर होता है और ग्रोथ होता है और वार्म लीनिंग होता है, जिससे क्या होता है कि रेगुलर मेच्योर पीरियड आता है और दर्द वगैरह भी नहीं होता। तो ऐसे काम करती है ये टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।